हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अब्दुल सत्तार खोकर फ्रॉम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीकर, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए टॉपिक फ्रॉम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। द टॉपिक इज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, in treatment of water we firstly remove macro impurities, then after micro impurities। actual में क्या होता है, जब यहाँ पे अपन जो treatment of water की बात कर रहे हैं वो surface water है। ठीक है, surface से जो पानी लिया गया है उसका अपन treatment कर रहे हैं। तो सरफेस से जो पानी, सरफेस जो वाटर होता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इम्प्योरिटीज होती है। तो अपन फर्स्टली जो स्टेप्स फॉलो करेंगे ट्रीटमेंट के लिए वो मैक्रो लेवल से माइक्रो लेवल, यानी पहले अपन जो बड़ी बिगर इम्प्योरिटीज है उनको रिमूव करेंगे, देन आफ्टर जो माइक्रो इम्प्योरिटीज हैं। ठीक है, तो इसी पैटर्न के अंदर अपन ने जो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो अपने इसी पैटर्न के अंदर है। फर्स्ट स्क्रीनिंग है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है, डिसइंफेक्शन है, वाटर सॉफ्टनिंग है। तो स्क्रीनिंग फर्स्ट अपन बात करते हैं स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग क्या होता है कि अपन जब सरफेस वाटर से, लाइक अपनी कोई रिवर है, रिवर से अपन क्या कर रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो पंप्स अपन यूज करेंगे तो उससे पहले अपन को स्क्रीन्स लगानी पड़ती है, क्योंकि सरफेस वाटर के अंदर बहुत सारी फ्लोटिंग मटेरियल्स होते हैं। तो फ्लोटिंग मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्क्रीन्स लगाते हैं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखना, वेस्ट का जो ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट प्रोसेस वो अलग होता है और वाटर का अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन्स आपको शो हो रही है कि अपन इंक्लाइन बार्स लगाते हैं, इसके अंदर जो बिगर इम्प्योरिटीज वो स्टक हो जाती है और अपन मैनुअली या मशीन के थ्रू अपन इसको रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्लोटिंग मैटर को रिमूव करने के लिए अपन स्क्रीनिंग करते हैं। फिर उसके बाद में अपना टॉपिक सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जो जैसे अपन ने ग्लास के अंदर मिट्टी ली, ठीक है, तो उसको स्टेबल फॉर्म के अंदर अपन रखेंगे तो हेवियर पार्टिकल जो होंगे वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो यही फिनोमिना सेडिमेंटेशन का है। तो इसमें ये दो टाइप के होते हैं, प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। ठीक है, प्लेन सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि अपन ने एक चैम्बर बनाया, उस चैम्बर में अपन ने क्या किया, पानी को जो जिस पानी को अपन को ट्रीट करना है उसको पानी को रखा, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होगी, यानी वाटर से हेवियर जो इम्प्योरिटीज होगी जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, तो अपन ने इसको स्टेबल फॉर्म के अंदर रखा है। ठीक है, तो स्टेबल फॉर्म के अंदर रखने पर क्या होगा कि ये थोड़े अपन इसको दो तीन टाइम दिन देंगे इसको स्टेबल, या 24 आवर्स देंगे इसको स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इम्प्योरिटीज़ है, ये नीचे सेटल डाउन होगी। ठीक, तो ये तो प्लेन सेडिमेंटेशन है। उसके बाद में अपना क्या आता है, एक मिनट, उसके बाद में अपना आता है सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन के केस में क्या होता है कि जैसे सेडिमेंटेशन में जो हेवियर पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर द ग्रेविटी। ठीक है, कुछ फाइनर पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्लो करते रहते हैं वाटर के अंदर, तो उनको सेटल करवाने के लिए अपन क्या करते हैं, कोगुलेंट ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इसके अंदर अपन ने कोगुलेंट ऐड किया। तो ये जो कोगुलेंट है ये इन इम्प्योरिटीज़ को, ये कोलोइडल जो मैटर्स हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने पे क्या होगा, इनका जो वेट है वो हेवियर हो जाएगा, हेवियर होने की वजह से ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो दो है, प्लेन सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जैसे अब देखो अपन ने दो प्रोसेस देखी है, स्क्रीनिंग और सेडिमेंटेशन। तो फ्लोटिंग मैटर तो अपन ने रिमूव कर लिया है, फिर हेवियर मेटेरियल है उसको भी रिमूव कर लिया है। अब देखो कोआगुलेशन में भी फाइनर मटेरियल, अब उससे भी फाइन मटेरियल उसके अंदर रहते हैं और कुछ केमिकल्स उसके अंदर डिजोल्व फॉर्म के अंदर रहते हैं और कुछ जो बैक्टीरियाज है उसके अंदर रहते हैं, तो वो उनको भी अपन को रिमूव करना है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि अपन एक सेंट लेयर से वाटर को पास करते हैं जिससे उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव होती है। ये फिल्टर से
दो टाइप के होते हैं, एक तो ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। ठीक है, ये अपना ग्रेविटी फिल्टर है, जैसे इसमें सेंट की लेयर है, उससे अपन क्या कर रहे हैं, वाटर को पास करवा रहे हैं, और वाटर क्या होता है, सीपेज होके यहाँ पे अंडर ड्रेनेज सिस्टम और आउटलेट में चला जाता है। ठीक है, तो सेंट से अपन वाटर पास करवा रहे हैं, जिससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्प्रूव होती है। फिर उसके बाद में, अब जैसे अपन ने फिल्ट्रेशन देखा, तो फिल्ट्रेशन में लगभग जो इनऑर्गेनिक मैटर वो रिमूव हो गया, ऑर्गेनिक भी रिमूव हो गया, तो इसमें सब जो अभी बैक्टीरियाज बचे हैं, ठीक है, तो बैक्टीरियाज को अपन को रिमूव करना है, तो बैक्टीरियाज को रिमूव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, डिसइन्फेक्शन करना पड़ता है। डिसइन्फेक्शन क्या होता है, इसमें डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को किल किया जाता है। ठीक है, जो डिजीज प्रोसेसिंग मतलब अपने शरीर को नुकसान पहुंचाती है, डिजीज क्रिएट करती है, और एक प्रोसेस होती है स्टेरिलाइजेशन, उसमें क्या होता है, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया उसको अपन रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेथड है डिसइन्फेक्शन के, बाय बॉइलिंग, बाय एक्सेस लाइम, ओजोन, ठीक है, क्लोरिनेशन। फिर इसके बाद में आता है अपना वाटर सॉफ्टनिंग। वाटर सॉफ्टनिंग में क्या होता है कि वाटर जब अपन पब्लिक, अपना एम ये है कि रिवर्स से अपन को पानी पब्लिक तक सप्लाई करना है, तो प्योर वाटर आपको ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई करना है। ठीक है, तो ड्रिंकेबल वाटर सप्लाई करने के लिए अपन जैसे बैक्टीरिया, अपन ने हेल्थ जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वो रिमूव कर दिया, इनऑर्गेनिक मैटर है, मिट्टी वगैरह, क्ले सैंड वगैरह, वो अपन ने रिमूव कर दी। ठीक है, अब अपन वाटर सॉफ्टनिंग कर रहे हैं, यानी वाटर हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड के केस में अगर वाटर है तो अपन को क्या करना पड़ता है, उसको वाटर की उसकी हार्डनेस को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए अपन वाटर सॉफ्टनिंग करते हैं, और इसमें भी अलग अलग, जैसे आपने पढ़ा होगा, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, उसके रिमूव करने के अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन फ्लो चार्ट पे आते हैं। देखो फ्लो चार्ट में क्या है, जैसे यहाँ पे अपना इनटेक है, यहाँ से आपको पानी लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको पानी लेना है, तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, यानी जैसे पंप से अपन लेंगे तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट मतलब स्क्रीनिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ताकि अगर मान लो अपन स्क्रीनिंग नहीं करेंगे यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, जो मशीन जो अपना पंप है, पंप के अंदर जो जो अपने जो लीव्स वगैरह है, पॉलीथीन वगैरह, पेपर वगैरह, वो स्टक हो जाएंगे, अपना जो पंप सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फ्लो, यहाँ पे अपन प्री क्लोरिनेशन करें, क्लोरिनेशन एक डिसइन्फेक्शन की प्रोसेस है, फिर अपन कोगुलेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो कोगुलेंट अपन ने मिक्स किया, तो वो सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, तो जो नीचे सेटल डाउन होता है उसको अपन रिमूव कर लेंगे, फिर जो सेडिमेंटेशन से ये फिल्ट्रेशन में जा रही है, यहाँ पे वाटर फिल्टर हो रहा है, फिर यहाँ पे अपन डिसइन्फेक्शन प्रोसेस दे रहे हैं। ठीक है, और एडवांस में भी अपन जैसे मान लो कहीं पे फ्लोराइड ज़्यादा है, ठीक है, तो डीफ्लोराइडेशन करते हैं अपन। ठीक है, कोई मिनरल कम है तो उसको अपन ऐड करते हैं, फिर उसके बाद में अपन अलग जो एलिवेटेड वाटर टैंक है उसमें अपन वाटर को सेंड करते हैं, फिर यहाँ से अलग अलग जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे पानी सप्लाई हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो ये था अपना टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें अपन को जो सरफेस, जो वाटर का जो सोर्स है, वहाँ से अपन को क्या करना था, प्योर जो ड्रिंकेबल वाटर है वो पब्लिक तक पहुँचाना था, तो इन इन प्रोसेस से अपन को गुजरना पड़ता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।